नमस्कार, जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं माय जोनल यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वार फर्स्ट है। और अपने आप में यह बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही, मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध। तो ये विश्व युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने करवाया, कारण क्या थे, काउजेस क्या थे और इसका आउटकम क्या निकला, मतलब रिजल्ट क्या निकला, कौन जीता कौन हारा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो जो है टोटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इस वीडियो का जो पूरा बेसिस है लुसेंट जीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और सीरीज है लुसेंट जीके का। तो आप इनका जो है टेलीग्राम पे मेरा जाइएगा और इनका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड है। अन्यथा आप एज इट इज जैसे मैंने नोट्स बनाया है आप बना सकते हैं। आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अब समझिए वर्ल्ड वार फर्स्ट नाम पहले इसका, वर्ल्ड वार फर्स्ट कैसे बढ़ा। तो देखिए, जब ये वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, तब सर सिर्फ यही था, वर्ल्ड वार ही था, इसका नाम वर्ल्ड वार फर्स्ट नहीं था। लेकिन लोगों को क्या पता था, क्या जानकारी थी कि आगे चल करके कुछ 100 साल बाद फिर से एक वर्ल्ड वार होगा। तो दोनों का नाम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बस इनका नाम वर्ल्ड वार फर्स्ट रखा गया, उसको वर्ल्ड वार जो नेक्स्ट वाला वर्ल्ड वार हुआ उसको वर्ल्ड वार टू रख दिया गया, और ताकि लोग कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि दोनों का नाम अगर वर्ल्ड वार रहेगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ने में और समझने में भी। तो यह वर्ल्ड वार जो है, इनको हिंदी में हम लोग विश्व युद्ध भी कहते हैं। और यह जो युद्ध है ना, 4 साल तक चला, 4 साल तक चलने वाला यह विश्व युद्ध था। और इनमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, बहुत सारे देशों ने भाग लिया। नाम से पता चल रहा होगा वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में बहुत सारे देश आते हैं, बहुत सारे देश ने इसमें भाग लिया। और इनमें लगभग बहुत सारे लोग लड़ाई किए, बहुत सारे मिलिट्री पावर लड़ी, जिनमें लगभग 2 करोड़ के आसपास, ठीक है, 2 करोड़ के आसपास लोगों की जाने गई, 2 करोड़ लोग की हत्या हुई। लड़ाई वगैरह करेंगे तो हत्या तो होना लाजमी है भाई। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट क्या हुआ, इनके कारण क्या थे, काउजेस क्या थे, उसको पहले समझते हैं। तो सभी बुक में सबसे पहला लाइन जो आपको मिलेगा वर्ल्ड वार फर्स्ट है, आपको बताया जाएगा कि इस वर्ल्ड वार फर्स्ट की लड़ाई की होने का जो वजह था, कारण था, वो था राजा फर्डिनेंट, सॉरी वो था ड्यूक फर्डिनेंट, आर ड्यूक फर्डिनेंट, ड्यूक फर्डिनेंट की हत्या के कारण यह वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, लोगों का ऐसा कहना था। लेकिन आप, ये सही बात है, इनके हत्या होने के बाद ही, इनको जब लोग मार देते हैं उनके बाद से फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और इस वर्ल्ड वार में लगभग लगभग आप लोग देखेंगे तो उस समय यूरोप में बहुत ज्यादा एम्पायर हुआ करते थे, तो उस एम्पायर भी इस वर्ल्ड वार आने के कारण सारे सारे एम्पायर गायब हो गए, मतलब खत्म हो गए, तहस नहस हो गए सारे एम्पायर, कोई एम्पायर नहीं बचा, वो आगे चल के नेशन बन जाता है। तो काउजेस समझने के लिए सबसे पहला तो कॉज आप लिखेंगे, ये जो ड्यूक थे, ड्यूक मतलब क्या होता है, पहले तो ड्यूक मतलब ही समझना पड़ेगा, बुक में ऐसे लिखा रहेगा। ड्यूक मतलब होता है आप जो, आपकी खानदान के लास्ट जो व्यक्ति होगा, लास्ट जो पर्सन होगा उसको ड्यूक बोला जाता है। पहले के जमाने में आप जानते हैं राजा महाराजा हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह थोड़ी ना थे, पहले के जमाने में मोनार्की सिस्टम थी, राजा वगैरह हुआ करते थे। तो राजा वगैरह जो हुआ करते थे वो खानदानी होते थे, पहला मतलब बाप हटा गद्दी से तो बेटा बनेगा, बेटा हटा तो फिर उसका आने वाला बेटा गद्दी में बैठेगा। तो उसी तरह से ये अपने खानदान का बेचारा इकलौता और लास्ट था, और इनकी हत्या कर दी गई, जिससे जो है ऑस्ट्रिया के जो राजा थे वो गर्मा गए। और इन यही कारण था, मतलब तात्कालीन कारण, टेम्पोरोरी कारण इसको बोल सकते हैं, इनकी जो हत्या कर दी ये कारण बना वर्ल्ड वार फर्स्ट का। तो इसके पीछे और भी वजह है, क्या हम लोग कह सकते हैं कि किसी एक इंसान की हत्या कर देने से पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में, रशिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, सभी पूरे देश में लड़ाई हो जाएगा सिर्फ एक इंसान की वजह से? तो आप बोलेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो एक बहाना था, मतलब एक जरिया था। जैसे कि ऐसा समझिए आप, जैसे कि एक बहुत बड़ा बारूद का गोदाम है, बहुत बड़ा बारूद का यहाँ पर गोदाम है, ठीक है, उसमें छोटा सा एक तीली,
माचिस की तीली जाके यहां पर लगा दीजिए, पूरा ब्लास्ट कर जाएगा पूरा। उसी तरह किसे, ये जो वर्ल्ड वार का जो सीन था ना, बहुत पहले से चलता आ रहा था, क्रिएट था, माहौल वैसा था, बस एक माचिस की तीली चाहिए थी, वही माचिस की तीली। ये जो हत्या हुई ड्यूक की, फर्डिनेंड की, वही माचिस का तीली का काम करता है। और यह लड़ाई का मतलब बोल सकते हैं, इनकी हत्या के बाद लड़ाई एक अगले चरम सीमा पहुंच जाता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और नाम इनका लिया जाता है। कहा जाता है फर्डिनेंड की हत्या के बाद ही ये लड़ाई मतलब बहुत ज्यादा मतलब उग्र रूप ले ली, बहुत ज्यादा फैल गई, और धीरे धीरे फिर चीजें हुई। तो ये राजा ड्यूक से पहले के हिस्से हम लोग समझते हैं, इनके हत्या पर आएंगे, इनकी हत्या के बाद से ही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। ड्यूक की हत्या किसने की, कैसे हुई, सारी चीजें एग्जाम में आती है। लेकिन इनका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मेन वजह क्या है इसके, ये वर्ल्ड वार होने के पीछे ड्यूक की हत्या के अलावा और मेन वजह क्या है जो पहले से होती आ रही है, तो उसको समझते हैं। तो उस समय यूरोप में, यूरोप को देखेंगे तो यूरोप जो एंशियंट था, मॉडर्न यूरोप, वहां पे बहुत सारे मोनार्की सिस्टम हुआ करते थे, बहुत सारे एम्पायर थे। एम्पायर का नाम यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ठीक है, जर्मनी एम्पायर, रशियन एम्पायर, फ्रांस, यूके जहाँ पे इंग्लैंड वगैरह होते थे, ओटमन एम्पायर। तो यूरोप में उस समय पे इतने मुख्य तरह से एम्पायर हुआ करते थे। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये जो सारी चीजें हैं यूरोप की जगह है, और सभी एम्पायर को आप लोग देख सकते अच्छे से। तो इस तरह के उस समय 1914 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय यूरोप में बहुत सारे एम्पायर होते हैं, और सारे के सारे एम्पायर जो थे मोनार्की सिस्टम पे काम करते थे। मोनार्की मतलब, मोना मतलब होता है एक, आर की मतलब होता है राजतंत्र। तो मोनार्की मतलब सिर्फ एक राजा पूरे जो भी देश होगा, जैसे कि जर्मन एम्पायर, पूरे जर्मन एम्पायर का सिर्फ एक ही देखभाल करने वाला था, राजा सबसे प्रमुख हुआ करता था, किंग इज किंग, ओके। तो यहाँ पर सारे के सारे एम्पायर उस समय के मोनार्की थे। कुछ एम्पायर ऐसे भी थे जिनमें कानून वगैरह थी, डेमोक्रेसी वगैरह थी, तो वो कुछ ही थे। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड उस समय एक जो था वो डेमोक्रेसी पे काम करता था, मोनार्की सिस्टम वहां पर राजतंत्र नहीं था, ठीक है। तो मोनार्की मतलब समझ गए होंगे। तो जितने भी उस समय यूरोप के बड़े बड़े एम्पायर थे, जैसे कि ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर, ठीक है, जर्मन एम्पायर, रशियन एम्पायर, फ्रांस एम्पायर, ओटमन एम्पायर एंड यूनाइटेड किंगडम, ये सारे के सारे जगह पे मोनार्की सिस्टम देखी जाती थी, राजा वाला सिस्टम देखा जाता था, जिसमें राजा की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी और राजा सबसे मेन होता था, इसी का जो माना जाता कहना था, और ये जो चाहता था वही होता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा उस समय पे कितने एम्पायर थे, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने में आपको मदद करेगी। तो ये एम्पायर सभी का नाम थोड़ा सा याद कर लीजिए, दो तीन बार पढ़ लीजिए, याद होगा। अभी एक चीज और देखिए, मैप में आप लोग देखिएगा तो आपको बालकन कंट्रीज पढ़ाया जाता होगा ज्योग्राफी में। बालकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बोस्निया, सर्बिया, बुल्गेरिया, रोमानिया एंड हर्जोगोविनिया। तो ये सारे जो कंट्रीज के नाम मैंने बताए हैं चार पांच, जो सारे के सारे को हम लोग एक मतलब एक में रख करके बालकन कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। बालकन कंट्रीज उस समय का, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ है, सबसे बड़ा जो रीजन है, रोल है, इन लोगों का ही है, बोस्निया का सबसे ज्यादा, बोस्निया, सर्बिया, बुल्गेरिया, रोमानिया। अब कैसे इन लोगों का रोल है वो समझते हैं। तो 1914 में आपने, मैंने बताया यूरोप में इतने सारे एम्पायर हुआ करते थे, मैंने फिर दूसरा चीज बताया उस समय के बालकन कंट्रीज थे बोस्निया, सर्बिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, हर्जोगोविनिया, ये सारे थे। फिर क्या होता है उस समय, एक बहुत ही बड़ा लड़ाई होता है, युद्ध होता है, किनके किनके बीच लड़ाई होता है, रशिया के बीच एंड ओटमन एम्पायर के बीच। ओटमन एम्पायर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बड़ा एम्पायर था उस समय का, और ओटमन एम्पायर के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियोज में भी आपसे थोड़ा डिस्कस करा है, आप लोग पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, सारा वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर में पड़ा हुआ होगा। तो उस समय एक लड़ाई हुआ, वर्ल्ड वार ये नहीं है, मतलब सिंपल सा एक बात होता है, किनके किनके बीच, रसिया एंड ओटमन एम्पायर के बीच। और इस लड़ाई में क्या होता है, ओटमन एम्पायर बहुत बड़ा था और ओटमन एम्पायर में ही सारे समाज आते थे, मतलब इन सभी पे किनका राज था, ओटमन एम्पायर का, बोस्निया, सर्बिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, क्योंकि एम्पायर इनका बहुत बड़ा था। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर बोस्निया है, यहाँ पर सर्बिया है, यहाँ पर बुल्गेरिया है और यहाँ पर रोमानिया है, और सारे के सारे कहाँ पे अभी पाए जाते थे उस समय पे, ओटमन एम्पायर के अंदर पाए जाते थे। दोनों में लड़ाई हुई, अब लड़ाई भयंकर हुई, और लड़ाई में जो रसिया था ना, रसिया क्या कर रहा था,
ये सभी जो देश थे, बोस्निया, सर्बिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, ये सभी को अपनी तरफ से हेल्प कर रहा था और दिलासा दे रहा था कि मैं तुम लोगों को ओटमन एम्पायर से अलग कर दूंगा, मैं तुम लोगों को आजाद कर दूंगा, इंडिपेंडेंस दिलवा दूंगा। तो ये रसिया इन लोगों को हेल्प करने में लगा हुआ था, ठीक है, ओटमन एम्पायर के कब्जे से, चंगुल से बाहर निकालने में लगा हुआ था। तो यह ऐसे युद्ध होते रहा दोनों के बीच, रशिया एंड ओटमन एम्पायर के बीच युद्ध आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते यह युद्ध आके समाप्त होता है ट्रीटी ऑफ बर्लिन पे। ट्रीटी ऑफ बर्लिन में इनकी लड़ाई आके समाप्त होती है। और इस ट्रीटी में मैंने आपको जैसा बताया, इस ट्रीटी के तहत जितने भी कंक्लूजन निकला इस ट्रीटी का, उनमें यह कहा गया कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो थे उनको पावर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का, लेकिन वह जो पावर मिलेगा ना कुछ ही समय के लिए, टेम्पररी है, ऐसा नहीं कि आप पूरा जिंदगी पावर आपको मिल गया, नहीं। इस ट्रीटी में ऑटोमन एम्पायर ने ऐसा कंक्लूजन दिया, कहा कि ठीक है आप लोग को पावर दिया जाता है, किनको पावर दिया गया, रशिया को नहीं, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को पावर दिया गया इस ट्रीटी में, और कहा कि आप लोग बोस्निया वगैरह का देखभाल करिए, अच्छे से करिए, आप लोग अपने वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करिए। तो बोला ठीक है, लेकिन ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर वाले इससे संतुष्ट नहीं थे, जाहिर सी बात है टेम्पोररी पावर लेके कोई भी संतुष्ट नहीं होगा, उसकी और भी चाहते होंगी, ठीक है। तो ये 1878 में स्टार्ट होता है और यही आगे चल के शुरू यहां से होता है आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आगे चल के आपको बहुत सारी चीजें और भी देखेंगे। तो इस ट्रीटी में बस यही हुआ, और इस ट्रीटी में यह भी कहा गया जो फुल्ली अधिकार होगा, फुल्ली एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पावर होगा, सारी चीजें ओटमन एम्पायर के पास ही रहेगा, लेकिन टेम्पोरी आपको इस ट्रीटी के तहत टेम्पोरी अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को दिया जाता है। फिर ये हुआ इस तरह से, इस लड़ाई जो हुआ छोटा सा बार था, छोटा सा तो नहीं बोल सकते हैं, बड़ा ही बार था रशिया एंड ओटमन एम्पायर का, और रशिया इन लोगों का हेल्प कर रहा था जितने भी बालकन कंट्रीज थे ओटमन एम्पायर से अलग होने में, और यही इस लड़ाई में बस इतना ही हुआ। और ट्रीटी वगैरह याद रखिएगा 1877 की ट्रीटी, ठीक है। उसके बाद आता है 1878, हम लोग देख लिया 1878 के बाद समय आता है अक्टूबर 1908 की। तो इस बार क्या करता है ना, ऑटोमन एम्पायर संतुष्ट नहीं था अपने, इन्होंने क्या करा, हमला कर दिया बोस्निया वगैरह पे, बोला हम टेम्पोरी क्यों रहेंगे, टेम्पोरी हमको नहीं रहना है। तो ये इनको जो थोड़े समय के लिए, टेम्पोररी समय के लिए एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया था बोस्निया वगैरह पे, वो तो उनको करना ही था, वो कर ही रहे थे, लेकिन 1908 में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो था उन्होंने इन्वेड करा किन पे, बोस्निया पे, और इन्वेड करके इनसे जो था ऑटोमन एम्पायर से आजाद करवा लिया। अब ऑटोमन एम्पायर के हाथ से बोस्निया जितने भी थे और सर्बिया वगैरह जो थे आजाद हो गए, अभी ऑटोमन एम्पायर के हाथ से निकल गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उस समय जो ऑटोमन एम्पायर था थोड़ा कमजोर पड़ गया था, तो कमजोरी का फायदा बहुत अच्छे से ये लोग उठाए और उनसे अब छीन लिए। अब जो पार्ट हो गया ऑटोमन एम्पायर का, जो पार्ट हुआ करता था बोस्निया, ठीक है, अभी उनसे छीन लिया गया, अब ये बोस्निया किसका पार्ट होगा, ऑस्ट्रियो हंगेरियन का अधिकार हो गया। तो देखिए इसमें जो बोस्निया वाले लोग थे, चेहरा देख रहे हैं कितना गरमाए हुए है, तो इन लोग गरमाए हुए बस इसलिए थे भाई कि इनका कहना था 400 सालों तक किसने हम पे राज किया, ओटमन एम्पायर ने राज किया। अब जब आजादी मिलनी चाहिए थी इनसे, आपने हमको छुड़वाया ओटमन एम्पायर से, आपने किनने छुड़वाया, ओटमन एम्पायर से ऑस्ट्रियन हंगेरियन ने मतलब अलग किया, तो इनका कहना था ना आपने हमको अलग किया ठीक है, लेकिन हमको आजादी तो दे देते, मतलब क्या हुआ लिटरली, आप लोग भी सोचिए 400 सालों तक बेचारा, ये लिखिए बोस्निया में लिख देता हूं यहां पर, 400 सालों तक इस पे किसका अधिकार रहा, ऑटोमन एम्पायर का। अभी जब खत्म हुआ तो उसके बाद अधिकार किसका हो गया, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का। तो क्या बेचारा बोस्निया को आजादी मिला, उधर से निकलकर इधर इसके चंगुल में फंस गया। तो वही यहाँ के जितने भी लोग थे उनका कहना था कि हम लोग को आजादी चाहिए, हम लोग को इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, हम लोग ऐसे नहीं रह सकते, हम लोग को मुक्त करो, आजाद करो, इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। तो ये इस तरह की मांगे उत्पन्न होने लगी जितने भी बाल्कन कंट्री से, सभी में इस तरह की भावनाएं, अंदर से जितने भी चाचा लोग थे
वो लोग कहने लगे, भैया हमको चाहिए, हम लोग को अकेले रहना है, आप लोगों के अंदर में नहीं रहना है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में रहेंगे तो आपके मुताबिक हम लोग चलेंगे, आप राजा कहेंगे जो ही होगा, पब्लिक की तो आप लोग सुनेंगे नहीं, हमको अलग देश चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग और डीपली समझते हैं, बोस्निया की कहानी को। तो आप लोग मैप पे देख रहे होंगे, देखिए बोस्निया जो है ना, बोस्निया से इनके पड़ोसी देश, जैसे भारत हम लोग में रहते हैं, भारत में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना वगैरह है, तो उस समय बोस्निया का जो जितने भी बाल्कन कंट्रीज हैं, बोस्निया के पड़ोसी देश सर्बिया वगैरह जो हैं, वो लोग आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, आपस में कनेक्टेड थे, उन लोगों का जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी तो था ही, क्योंकि पड़ोसी में है तो जियोग्राफी से वो लोग रिलेटेड है, दोनों का लैंड आपस में कनेक्टेड है, ज्योग्राफिकल कनेक्शन उनमें तो है ही, पड़ोसी हैं चूंकि। ठीक है, तो सर्बिया हो गया, बोस्निया हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, सभी आपस में कनेक्टेड थे, उनमें एक और कनेक्शन था, वो लोग बहुत अच्छे मित्र थे, और मित्र बनने का जो मेन वजह था, वो लोग स्लाविक थे। क्या थे वो लोग? स्लाविक थे, वो लोग स्लाविक को फॉलो करते थे, जितने भी ईस्ट में आते हैं, यूरोप के ईस्टर्न पार्ट के कंट्रीज, बाल्कन कंट्रीज, सभी में एक ऐसा कनेक्शन था, ऐसा प्यार था, वो लोग स्लाविक को फॉलो, सभी के सभी स्लाविक को फॉलो करते थे, और वो अपने आप को साउथ स्लाविक कंट्री कहते थे। ठीक है, साउथ क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे में पड़ता है, इसीलिए उन्हें साउथ कहते हैं। तो उन लोगों के बीच एक इथनिक कनेक्टिविटी भी थी, ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी के अलावा एक इथनिक कनेक्टिविटी भी थी, और ये स्लाविक से रिलेटेड मुद्दा उठाते रहते थे, अपने आप को स्लाविक कंट्री कहते थे, साउथ स्लाविक कंट्री, और इन लोगों का जितने भी लोग थे, पीपल्स थे, उन लोगों का डिमांड था कि हमको एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, जैसा कि बोस्निया डिमांड कर रहा था, ये चाचा डिमांड कर रहे थे, तो ये भी तो स्लाविक ही हुए ना, क्योंकि यहाँ मैं सभी सारे देश का मैं बात कर रहा हूँ, कौन कौन का, जितने भी बाल्कन कंट्री है, तो बाल्कन कंट्री में बोस्निया भी आता है, तो ये भी स्लाविक हुए, तो इन चाचा का भी जो डिमांड था ना, वही सारा डिमांड सारे स्लाविक कंट्रीज का भी था, जितने भी स्लाविक को फॉलो करते थे, उनका डिमांड था हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट स्लाविक नेशन चाहिए, तो ये इन लोगों का डिमांड था। और इन लोगों जो स्लाविक नेशन का डिमांड कर रहे हैं ना, वर्ल्ड वार में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का माना जाता है। अब कैसे माना जाता है आपको समझ में आएगा, तो आई होप आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी, हिस्ट्री मैंने आपको समझाया, ये वाला लड़ाई याद रखिएगा, बस याद रखना है, रटना नहीं। उसके बाद ट्रीटी ऑफ बर्लिन बस याद रखिएगा, बर्लिन, ट्रीट ऑफ बर्लिन में क्या हुआ सारी चीजें, उसके बाद ये स्लाविक कंट्रीज वगैरह याद रखिएगा। ठीक है, चाचा को याद रखिएगा, चाचा का डिमांड क्या था। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्बिया, सर्बिया जो था बोस्निया का पड़ोसी था, दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, इथनिक कनेक्टिविटी थी इन लोगों को भी, स्लाविक लोग थे ये लोग, तो ये लोग बोले ना, इनका दो दो चीज करना था, इन्होंने सबसे पहले तो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को मतलब कंप्लेन करा, बोल सकते हैं अपनी भाषा में, आम भाषा में, देसी भाषा में, कि एक तरह से इन्होंने उनके खिलाफ बुरा वाला कहा, प्रोटेस्ट करा और कहा कि ये सही नहीं है, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ये सही नहीं कर रहे हैं, सारे स्लाविक कंट्रीज को अपने में मिलाते जा रहे हैं, तो ये इनका कहना था। देखिए पहला पॉइंट आप लोग देखिएगा, इन्होंने कहा आपने तो बोस्निया को इन्वेड कर ही लिया, ये चाचा को आपने तो बंदी बना ही लिया, कब, अक्टूबर 1908 में ये चाचा को बंदी बना ही लिया, इसके साथ साथ आप बोस्निया को कर लिए, इसके साथ साथ आप सारे के सारे स्लाविक कंट्रीज, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इसको आप लोग क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये सबको तो बख्श दो भाई। तो बोलते मतलब, तो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो था, वहाँ के राजा वगैरह बहुत ही मतलब खचरा टाइप के थे, और नहीं सुने, अब वो अपना काम में लगे रहे, तो सर्बिया वगैरह भी इस बोस्निया के साथ ही था, अच्छे अच्छे दोस्त थे सभी, बोस्निया, रोमानिया, बुल्गारिया, तो ये सारी चीजें देख करके यहाँ सर्बिया के लोग भी गुस्से में थे, जितने भी स्लाविक लोग थे, जितने भी बाल्कन कंट्रीज के लोग थे स्पेशली, वो लोग ज्यादा गुस्से में थे। ठीक है, थोड़े बहुत स्लाविक लोग रशिया में भी पाए जाते थे, तो सारे के सारे एक साथ जुट हो गए, और इनके खिलाफ, अपनी आजादी के खिलाफ ये लोग अपनी मांग करने लगे, बोले हम लोगों को इंडिपेंडेंट नेशन दो। ये सारी चीजें जो मैं घटना बताया मैंने स्लाविक कंट्रीज के बारे में, इन लोगों के डिमांड के बारे में मैंने जो एक घटना है आपको बताई, कि इन लोगों का डिमांड क्या था, और डिमांड किन से था, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर से था, सर्बिया वगैरह एक तरफ, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एक तरफ, तो इन लोगों का डिमांड तो था, ये सारी चीजें मैंने बताई। इससे पहले ही एक चीज हो गई थी, इससे पहले ही ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर में और रशियन एम्पायर में एक अग्रीमेंट हुआ था, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो बोस्निया हो गया, सर्बिया हो गया, उन पे अगर इन्वेड करेगा
तो तुम नहीं आओगे भाई, रशिया नहीं आएगा इसमें इन लोगों का साथ देने, बोस्निया वगैरह का। आप याद करिए, ये रशिया ही था ना जो साथ दे रहा था बाल्कन कंट्रीज का जब लड़ाई हो रहा था ऑटोमन एम्पायर से। यहां पर देखिए, मैंने यहां पर बताया, ये रशिया साथ दे रहा था इन लोगों का, ठीक है, बोस्निया बुल्गेरिया रोमानिया का। अभी ये ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर जो था, इनका साफ साफ कहना था, जब भी मैं इन पे बोस्निया सर्बिया जितने भी हैं जिस पे मैं अगर हमला करूं तो तुमको बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना रास्ता नापो, उधर देखो हम लोग इन पे हमला करने जा रहे हैं। तो रशिया वाले बोले ठीक है भाई, क्योंकि क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिए इनके बीच एक एग्रीमेंट हो चुकी थी, और रशिया वाले भी हामी भर दिए, बोले ठीक है हम लोग इसको अब बचाने नहीं आएंगे, ओटोमन एम्पायर से तो बचाए ही, लेकिन अब तुम करोगे इस पे हमला तो हम लोग नहीं इनको साथ देंगे, बोस्निया वगैरह का साथ नहीं देंगे। तो ये ऐसा इन लोगों का कहना था, और एग्रीमेंट होने की वजह समझो, ये जो था ये करना चाहता था इन्वेड इन लोगों का, बोस्निया सर्बिया वगैरह का। रसिया जो था ये लोग करना चाहता था इन्वेड किसका, इस्तांबुल का, ये लोग इस्तांबुल के पीछे पड़े थे रसिया वाले। तो रसिया वाला भी बोला हम इस्तांबुल पे जाएंगे हमला करने तो तुम भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर जो था वो बोला ठीक है आप लोग उधर देखिए अपना उधर कब्जा करिए, हम लोग इधर करते हैं, दोनों खुश रहेंगे कब्जा कर करके। तो ऐसे चलते रहा, अग्रीमेंट हुआ, पर लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई भाई। मैंने बोला ना स्लाविक लोग जो थे बहुत ही डिस्परेट हो गए थे आजादी को लेकर के, बोल मतलब सोते उठते नहाते खाते आजादी आजादी आजादी, मतलब नींद चैन सब गायब हो गया था बेचारों का। तो एक प्रॉब्लम हो गया रसिया में जो था, ज्यादातर लोग देखेंगे रसिया में कुछ स्लाविक लोग भी पाए जाते थे, और जो स्लाविक लोग थे उन्होंने रशियन एम्पायर जो राजा थे उनसे ऐसा कहा कि आप लोग कैसे इसका बकलोलवा का साथ दे सकते हैं, बताइए ये बेचारा इन्वेड कर रहा है हमारे बोस्निया में, जितने भी स्लाविक लोग हैं सर्बिया में जितने भी स्लाविक लोग, उसको ये लोग मार रहा है काट रहा है इन्वेडिंग कर रहा है घुसपैठिया कर रहा है, आप लोग कैसे इसका साथ दे सकते हैं। रशियन में जितने भी स्लाविक लोग थे इन्होंने आवाज उठाया रशिया एम्पायर को कहा, तो रशियन एम्पायर चुपचाप सुनता रहा। फिर इन लोग मतलब बहुत सारा भीड़ इकट्ठा करके बहुत सारे लोग बोलने लगे, तो रशियन अंपायर क्या क्या ना मजबूरी में बेचारा, ये मजबूरी में अब अपना देश की जनता अगर एक साथ आ जाएगा तो राजा मजबूरी में इन्होंने क्या करा ना, ये जो एग्रीमेंट इन्होंने साइन की रही थी ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर पे, वो क्या करते हैं एग्रीमेंट अपनी बात से मुकर जाते हैं, क्योंकि अब इनको इनको भी देखना था ना प्रॉब्लम जो झेल पा रहे थे स्लाविक लोग, जितने भी रशिया में रहने वाले लोग थे स्लाविक लोग, उनके प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने जो एग्रीमेंट करा था ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर से उनसे मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और चूंकि बात है देखिए, अगर आप भी किसी दोस्त से वादा करते हैं और वादे से मुकर जाते हैं तो आपका दोस्त भी आपसे गर्मा जाता है, जाहिर सी बात है। तो ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर से ये वादा किया था एग्रीमेंट किया था रशिया, अब वो मुकर गया, क्यों मुकरा, ये प्रॉब्लम जो झेल रहे थे स्लाविक लोग यहाँ के उनके कहने पे ये बेचारा मुकर जाता है, तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है एक तरीके से। अब डिसएग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करो। एग्रीमेंट में पहले क्या हुआ था याद करो, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर ने एग्रीमेंट में ये कहा था जब भी मैं इन्वेड करूं बोस्निया पे तो आप लोग साथ देने नहीं आए, लेकिन अब ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया इस प्रॉब्लम के कारण, स्लाविक लोग के आवाज उठाने के कारण, तब ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो बेचारा ये साथ देने चला आया, अब इसका साथ देगा क्योंकि एग्रीमेंट तो रहा नहीं, तो आप रशियन एम्पायर जो है बोस्निया वगैरह का साथ देने चला आया, एग्रीमेंट कैंसिल हो गया इसके कारण। और यहाँ के स्लाविक लोग जो थे रशिया के जितने भी स्लाविक लोग थे उनके प्रेशर के कारण रशिया को इनका साथ देना पड़ा, बोस्निया जितने भी बाल्कन कंट्रीज थे खास करके बोस्निया का साथ देना पड़ा। बस यहीं से हो गया तहलका मचना स्टार्ट, अब फिर लड़ाई स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर 1909 में क्या होता है ना, ये आप जो आपका ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर था, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर वो जर्मनी से बोलता है देखना भाई इधर बहुत बड़ा मार होने वाला है, लड़ाई हो गया है बहुत खतरनाक, वर्ल्ड वार होने वाला है, क्या तू मेरा साथ देगा। तो जर्मनी बोलेगा हाँ भाई काहे नहीं आ रहे, तो बस 10 मिनट रुक हमारे हैं। तो ऐसे ही ये इनका जो ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर है उनको साथ मिला जर्मनी लोग, जितनी भी जर्मनी वाले लोग हैं। तो इधर रशिया वाले थे, रशिया वाले भी यही पैतराज मार रहे थे, बेचारा रशिया अकेले थोड़ी लगा, रशिया भी बोला ना हम भी अपन दोस्त के बुलाते हैं,
रशियन वाले जो लोग थे वो लोग फ्रांस से बोले, फ्रांस वाले भैया से, फ्रांस का लोकेशन देख ही सकते हैं, इनसे बोले कि भैया लड़ाई होने वाला है, साथ हम के देंगे का। तो ये जो थे ना फ्रांस वाले बोले हमको कि मतलब आप लोग इतना लड़ रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है, हम काहे इसमें बीच में कूदे। फ्रांस वाले बोले हमको जरूरत नहीं है सबका, आप लोग जाइए, हम नहीं आ रहे हैं आपके साथ। तो बेचारा ये बेचारा मुंह लटका के ये चला जाता है आप पर। तो यहाँ पर फिर लड़ाई होती है, रसिया को अकेले लड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर रसिया क्या करता है ना, चुपचाप बेचारा बैठ जाता है, क्योंकि इनको साथ नहीं मिला, बेचारा रसिया को अकेले पड़ गया। और इसके साथ जर्मनी और ऑस्ट्रिया था, तो ये पावरफुल था। तो फिर ये जो लड़ाई होनी थी इन लोगों के बीच, ये होता ही नहीं है, बेचारा अकेले क्या करेगा। तो ये चुपचाप अपना बैठ जाता है मुंह लटका के। और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है, जो इनका सपना था इन्वेजन करने का, ये बोस्निया पे कब्जा कर लेते हैं, ये इन्वेजन कर लेते हैं। अब रसिया बचाने नहीं आ पाया, क्योंकि ये बेचारा अकेले पड़ गया, तो बेचारा ये बचा नहीं पाया। तो ये होता है, और यहीं पे ये लड़ाई जो है आके फिर खत्म होती है, इन्वेजन। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा क्या, ये सभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी काउजेज हैं, यही से भी तो कारण है वर्ल्ड वार होने के, ये बोल सकते हैं ये भी कारण था। तो इसी तरह से एट द लास्ट ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो था उसका कब्जा हो ही गया, रसिया वगैरह कोई नहीं इसका कुछ उखाड़ पाया, और ये जो था बोस्निया वगैरह पे कब्जा कर लिया। स्लाविक लोग अपने अंदर ही घुटते रहे, मरते रहे, और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते रहे, लेकिन क्या करेगा, कोई साथ देने वाला नहीं था। अब तो बेचारे इनके अंडर बोस्निया वाले लोग लाचारी में रह रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बोस्निया वाले लोग क्या कमाल करते हैं, आगे आगे आपको समझ में आएगा। इसके बाद क्या होता है, आपको मैंने शुरू में ही बताया, ड्यूक फर्डिनेंड। अब यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ड्यूक फर्डिनेंड जो अपने जो भी अपने वंश का लास्ट होगा उसी को ड्यूक बोलते हैं। तो ये बेचारा लास्ट बच रहा था, अब इसकी हत्या हो जाती है। अब इसकी हत्या कैसे होती है इन पे आते हैं। तो देखिए ये ड्यूक जो था ना, ये ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। और ऑस्ट्रिया ने हाल ही में किस पे कब्जा किया था, बोस्निया पे कब्जा किया था। तो ये अपना गाड़ी वगैरह लेके एक आधो मीटिंग था, मीटिंग में जा रहा था, घूमने वगैरह जा रहा था, कहाँ के तो बोस्निया। तो ये यहाँ का जो ड्यूक था फर्डिनेंड, वो घूमने जा रहा था बोस्निया। अब बोस्निया में कौन से लोग रहते थे, स्लाविक लोग रहते थे, स्लाविक लोग तो गरमाए हुए थे। तो ये घूमने जा रहा था, और स्लाविक लोग देखें बोस्निया में ये आया है, फर्डिनेंड आया है, गाड़ी पे घूम रहा है अपनी पत्नी के साथ। पत्नी का नाम इनका सोफी था, ठीक है। नोट्स में सारा चीजें लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फर्डिनेंड की पत्नी का नाम सोफी था, और ये घूमने गया बोस्निया। बोस्निया में स्लाविक लोग तो थे, स्लाविक कंट्री था, तो स्लाविक लोग यहाँ पर थे। तो यहाँ पर घूमने गए, सारा स्लाविक लोग ने देखा आया है, यही अच्छा मौका है। ये लोग तो घुसियाए हुए थे ही, स्लाविक लोग ने क्या करा ना, गाड़ी जा रहा था, ये लोग रोड के किनारे नीचे में छुप करके एक बम मारे इनके गाड़ी पे। ये जो राजा था फर्डिनेंड, इसके गाड़ी पर एक बम मारा, लेकिन वो बम जो था ना गाड़ी पर गया, गाड़ी पर से टकरा करके उछल करके खेत में चल गया, खेत में जाके ब्लास्ट हुआ। तो ये जो राजा था फर्डिनेंड बोला ई का हो गया, बहुत बड़ा ये लोग चालबाज है यहाँ के लोग। तो फिर सतर्क हो गया ये फर्डिनेंड, सतर्क हो गया और जल्दी से गाड़ी भगाने लगा, और गाड़ी जो इनका ड्राइवर था वो भगाने लगा। और ये लोग जो था ना, जो जो भी मीटिंग करने गए थे बोस्निया में, ऑस्ट्रिया से बोस्निया में जो भी मीटिंग करने गए थे उसको कैंसिल करना पड़ा, वापस ये लोग जाने लगे। और फिर जैसे ही वापस गए तो इनको हॉस्पिटल वगैरह जाना था, थोड़ी बहुत चोट लगी थी तो ये हॉस्पिटल वगैरह जाना चाह रहा था फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड हॉस्पिटल जाने के जा ही रहा था कि ये लोग सही रास्ता में, इनका ड्राइवर बकलोलवा था, ले जाना चाहिए था सही रास्ता, ये घुसा दिया स्लाविक लोग जहां पर रहते थे ना, यहाँ पर मान लीजिए स्लाविक दोस्त था, रास्ता इसका मान लीजिए ऐसे जाना था। अब इसका जो ड्राइवर था ऐसे भागा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर हमला हुआ था, यहाँ से ये भागा, अब जाना चाहिए ऐसे ना, इसका ड्राइवर पगला, इधर टर्न मारा। अब इधर पे रहते थे स्लाविक लोग, स्लाविक लोग यहाँ पर रहे, देखा दूसरा मौका मिला है, इस बार क्या किया ना, गोली निकाला दोनों को, पति पत्नी फर्डिनेंड एंड सोफी को, दोनों को भून के रख दिया गोली से, और इनकी हत्या हो गई। और यहाँ से होता है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। तो इसीलिए सबको कहा जाता है, अच्छा हत्या करने वाले कौन थे, कभी कभी एग्जाम में मतलब डिफिकल्ट बनाना हो, ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो 19 साल का एक लड़का था,
वो स्टूडेंट था हम लोग की तरह, एक 19 साल का लड़का था, उसने ऐसा किया। वो स्लाविक था बेचारा, वो भी चाहता था कि हम लोग आजाद हो, तो उसने हत्या कर दी। किसकी? राजा फर्डिनेंड, ड्यूक फर्डिनेंड की। उस लड़के का नाम था, लिखना चाहे तो लिख ले, ठीक है, ये नोट्स में नहीं था तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, गैब्रिलो प्रिंसेप। यही बेचारा 19 साल का स्टूडेंट था, और इन्होंने क्या करा, भून दिया। 19 साल का मात्र ये था, इन्होंने इन दोनों को खत्म कर दिया, बोला टाटा बाय बाय, जाइए अब आप इस दुनिया से जाइए। अब जैसे ही पता चला ऑस्ट्रिया वालों का कि इस तरह का सलूक हुआ है हमारे लास्ट ड्यूक के साथ, जितने भी थे ना उन्होंने, कौन ऑस्ट्रिया के राजा वगैरह जो थे, बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गए, गर्मा गए। और यहां से स्टार्ट होता है आपका वर्ल्ड वार प्रथम, वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है। तो इमीडिएट काउज पूछा जाए एग्जाम में, पूछेगा व्हाट वाज द इमीडिएट काउज, जिससे तुरंत बाद स्टार्ट हो गया आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट। हम तो इनका नाम लेंगे, फर्डिनेंड की हत्या का आप याद बोलिएगा, नाम याद रखिएगा। लेकिन आपको पूछा जाएगा व्हाट वाज द मेन काउस, तो आप लोग को जितने भी हिस्ट्री मैंने बताई वो याद रखनी है। बहरहाल मैं आपको छोटे पॉइंट्स में बताऊंगा कि क्या क्या मेन कारण थी, ठीक है। और यह सारी जो घटना हुई थी 1914 में हुई थी, और 1914 में ही इनकी हत्या हुई थी, और 1914 में ही यह फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है और चलता है 4 सालों के लिए। तो आप लोग जोड़ लीजिए, 4 साल कितना हो जाएगा, 1918 हो जाएगा ना, तो 1914 से 1918 तक यह जो है वर्ल्ड वार चलता है, ठीक है। इनमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं और बहुत बड़ा जंग छिड़ जाता है। तो ये वही है, ये राजा की जो हत्या है ना फर्डिनेंड की, माचिस की तीली का काम किया, बारूद में ब्लास्ट कर दिया पूरा। पहले देखिए स्लाविक लोग तो पहले से फ्रस्ट्रेटेड थे, चाहते थे इंडिपेंडेंस वगैरह। बहुत सारे जो लोग थे पहले से ही गरमाए हुए थे, आपस में इतना लड़ाई कर रहे थे, रशिया वाला ओटमन एम्पायर से भिड़ गया था, और रशिया वाला फिर ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर से डिसएग्रीमेंट कर लिया। सारी चीजें ना खिचड़ी बनी हुई थी पहले ही से, लोग में ऐसा लड़ाई वाला भावना अंदर से था, और यही चिंगारी का काम करता है। इनकी हत्या जो है ना, कह सकते बहाना मिल गया इस लड़ाई को लड़ने का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ने का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1914 में ये लड़ाई स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया 1914 में ऑस्ट्रिया ने गरमाया था, क्योंकि इनके ड्यूक की हत्या हुई थी, फर्डिनेंड की हत्या करने वाले बोस्निया के जो 19 साल का लड़का था वो था। तो इनको साथ मिला जर्मनी का, जर्मनी से ये लोग बोले जर्मनी भैया साथ देंगे, तो बोला हाँ हम आपके साथ हैं, चलिए लड़ाई करिए, हम आपको पूरा साथ देंगे। जर्मनी के साथ फिर ऑस्ट्रिया को इटली का भी साथ मिल गया, ऑस्ट्रिया को, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को इटली का भी साथ मिल गया, तो ये जो तीनों थे एक तरफ आ गए, और साथ ही साथ इनको ऑटोमन एम्पायर को भी साथ मिल गया, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर को साथ क्यों मिला, अभी मैं आपको बताता हूँ। बस आप लोग देखिएगा, ये एक तरफ से लड़ रहे थे, ये पहली पार्टी थी, दूसरी पार्टी का नाम देखते हैं। अब दूसरी पार्टी जो थी आपका सर्बिया बोस्निया, जो स्लाविक लोग थे, ठीक है, सर्बिया बोस्निया का साथ किनको मिला, फ्रांस का साथ मिला। फ्रांस लोग इस बार साथ देने आए इन लोगों का, और फ्रांस के इसके साथ साथ एक और थे रसिया, ठीक है। रसिया वाले लोग इस तरफ से लड़ रहे थे, और रसिया वाले लोग इस तरफ से लड़ रहे थे, और इनके साथ एक और लोग आए थे यूनाइटेड किंगडम साथ देने, तो ये दूसरी पार्टी है, इधर से ये लोग लड़ने आ गए थे, ठीक है। और बाद में कुछ समय जब लड़ाई हुआ 1-2 साल, उसके बाद में ऐड हो जाते हैं, यूएसए वाले भी इस तरफ से लड़ने लग जाते हैं, और जो जापान था ना वो भी इन लोगों के साथ आ जाता है, तो इनकी टीम बड़ी हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, सर्बिया बोस्निया फ्रांस रसिया, तो इनकी टीम बड़ी हो जाती है, और इनकी टीम भी अच्छी तगड़ी टीम थी। ऑटोमन एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर था आप लोग भी जानते हैं, सबसे बड़ा एम्पायर उस समय का था। देखिए तो ऑटोमन, देखिए ऑटोमन एम्पायर इन लोगों का साथ क्यों देता है, ऑस्ट्रिया का साथ क्यों देता है, क्या लेना देना है, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने ही नहीं इनसे छीना था, क्या छीना था, बोस्निया को, फिर भी ये ऑस्ट्रिया का साथ देने आता है। ऑस्ट्रिया का साथ इसलिए देने आता है, शुरुआत में मैंने बताया था, सबसे शुरू में जो लड़ाई हुआ था 1878 में, वीडियो के शुरू में बताया था, वो किनके किनके बीच हुआ था लड़ाई, इन दोनों के बीच हुआ था। तो ये बोला कि एक तरफ से ये लड़ रहा है, सर्बिया की तरफ से रशिया लड़ रहा है, तो हम इसका साथ देंगे, और इसके साथ दे करके इसको मजा चुखाएंगे रशिया को।
तो आपने एक तो कहावत सुनी होगी, अगर आपके किसी से दुश्मनी है और एक और लड़का है उसको भी सेम दुश्मन है, आपका भी सेम दुश्मन है, तो आप दोनों दोस्ती कर लेंगे और उस दुश्मन को बर्बाद करने में लग जाएंगे। तो यही इसका स्ट्रेटेजी था ऑटोमन एम्पायर का। ऑस्ट्रिया का दुश्मन ये अल्टीमेटली बन ही गया क्योंकि सर्बिया के साथ दे रहा था, तो ये ऑटोमन एम्पायर वाला देखा, ये रशिया ने हमको बहुत मतलब सबसे 1878 में लड़ाई हुआ था तो बहुत तंग किया था, अभी सही मौका है, अभी इनके तरफ आ जाते हैं और रसिया को मजा चखाएंगे। तो इस तरह से ये लड़ाई मतलब ये दोनों दो गुट में बट गई और लड़ाई स्टार्ट हो गई। फिर आगे चल के ये लड़ाई बहुत बड़ा लड़ाई हो जाता है, वर्ल्ड वार के रूप ले लेता है। तीन, फिर हम लोग अगली वीडियो में इसको समझेंगे कि क्या क्या और भी रीजंस थे, कारण्स थे, छोटे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में जो एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। तो आप लोग अगली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, अगर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।